मेरा राजा बेटा, छोना बचाना। ये देखो निशा, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे रोहित पे गया है ना? देखो देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, 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 पास तो मेरा बेटा आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस चीफ, कल भाभी बेटे को जन्म देंगी, लेकिन मिठाई तुम्हें आज ही बांटूंगा। आज क्या, अभी क्या कहा? क्या हुआ मेरे रोहित को? क्या हुआ माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा रोहित नहीं मर सकता है, मेरा रोहित जिंदा है। नहीं, क्या वो सब है जी? ये कंप्यूटर गलत बता रहा है, इसमें जरूर कोई खराबी है जी। मतलब 10 मिनट में इसी रूम में। वो देखिए डॉक्टर आर्या, आपने शाहजहां के बारे में सुना है डॉक्टर माथुर? हाँ, उसने ताजमहल बनवाया था। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके। रोहित मेहरा मेरे लिए कारीगर है और मैं उसके लिए शाहजहां। इसका मतलब आप भी रोहित के हाथ? नहीं, दिमाग, क्योंकि रोहित का दिमाग अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे बहुत अफसोस होगा मुझे, क्योंकि रोहित अच्छा लड़का है, सच्चा, ईमानदार, इंटेलिजेंट। वो लोग ऊपर आ रहे हैं चीफ, आप यहाँ से जाइए। नहीं नहीं, मैं कंप्यूटर गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ लूंगा। ठीक है, मैं जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। हेलो माँ, मैं निशा को अस्पताल ले आई। हाँ, वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तो किसी भी वक्त आप बन सकता है, बस जल्दी से घर आ जाओ बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, तो कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा दिन के बाद डॉक्टर आर्य के लिए काम करना मेरी मजबूरी हो गई। पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था मैं। डॉक्टर आर्य को अगर जरा भी शक हो जाता तो वो मुझे खत्म कर देते, और मैं ही एक जरिया था तुम्हारे परिवार तक पहुंचने का। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी दादी को और तुमको ढूंढ रहा था। आज प्रिया के जरिए आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। उसने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपने बाप से अलग रखा।
उसके झूठ की वजह से मैंने अपनी मां को खो दिया। कहाँ है मेरे पिताजी? यहीं सिंगापुर में। डॉक्टर आर्या ने उन्हें कई सालों से मशीनों के जरिए ऐसी हालत में रखा है कि सिर्फ उनका दिमाग जिंदा है, शरीर बेजान है। गुड इवनिंग माय फ्रेंड रोहित मेहरा। कैसा महसूस कर रहे हो आज? ये मशीन्स तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? Yes? Good. कल वो ग्लोरियस ऐतिहासिक दिन है जब मेरा हमारा कंप्यूटर इनॉग्यूरेट होगा। हाँ, हमारा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। इतने साल तुमने किस सब्र और शांति से मेरे साथ कोऑपरेट किया है। कल जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो तुम्हारी जरूरत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी तकलीफ भी। See you tomorrow. ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर आर्या को कबीर याद आ गए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए डॉक्टर आर्या ने फैसला किया है कि वो आज ही कंप्यूटर आरंभ करेंगे और आज ही रोहित का। और मेरे पिताजी को इस कमरे में रखा? हाँ, लेकिन वहां तक किसी अनजान आदमी का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर आर्या ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है ताकि अब उसके और कंप्यूटर के बीच में कोई ना आ सके। कृष्णा, अगर डॉक्टर आर्या ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया तो उस कंप्यूटर के जरिए वो किस हद तक विनाश कर सकता है, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा, तुम्हारा, हम सबका, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर उसके कब्जे में आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर आर्या को हर हाल में रोकना होगा। अब तुम्हें अपने पिता के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को बचाना है कृष्णा।